सो भाई साहब, अब पहली बार लाइफ में चलो रॉयल इनफील्ड चलाने वाला हूँ भाई। इसका तो काफ़ी टाइट है क्लच। कौन सा गियर लगा? अच्छा, सीधे गियर नंबर 2। चलो, हाँ भाई, इसका तो पैर बहुत आगे है भाई। इतना आगे तो मैंने कभी आज तक चलाया नहीं है पैर वाला कोई बाइक भाई। लेकिन है तो कंफर्टेबल यार, एक नंबर लग रहा है। वैसे कंफर्टेबल तो बहुत है, पैर वैर तो भाई बढ़िया कंफर्टेबल है, ब्रेक भी सही है। कैसा लग रहा है भाई, आप बताओ जरा इधर से, आपको मतलब कैमरा एंगल से कैसा लग रहा है? वैसे मैंने थोड़ा सा अभी कैमरा एंगल ज़रा चेंज कर दिया है, मतलब जूम में रखा है, सुपर व्यू में नहीं है। ठीक है, तो पूरा आपको मिरर नहीं दिख रहा होगा साइड में, आगे जाके मैं चेंज कर लूँगा। फीलिंग तो एक नंबर आ रहा है वैसे। कंफर्टेबल है भाई, पैर वैर का पोजीशन अच्छा लग रहा है। रॉनिन में क्या होता रहा, थोड़ा पैर का पोजीशन थोड़ा मुझे गलत फील हो रहा है मतलब इसमें। लेकिन पैर का पोजीशन, क्योंकि क्रूज है ना तो आगे है, तो कंफर्टेबल लग रहा है पैरों का पोजीशन। भाई यहाँ तो बहुत सारे कैटल्स हैं, मुझे आदत है सिंगल गियर वाला ना, तो इसमें आगे पीछे करना है। तो खैर वो थोड़ा एडजस्टमेंट का बात है और कुछ नहीं, 5-10 किलोमीटर पे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन एक नंबर लग रहा है, सही लग रहा है भाई। पावर की बात करें तो 80 तो बहुत ही आराम से जा रहा है, मतलब 80 में तो पता भी नहीं चल रहा है कि 80 चला गया है। 90 100 मैं गियर वाइज तो नहीं चेक कर रहा हूँ कितना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो कैटल्स है ना वो प्रॉब्लम में डालते हैं, वो बीच में कहाँ कहाँ से आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन बढ़िया क्रूज हो रहा है, मतलब वो 80, 90, 100 पे तो एक नंबर क्रूज हो रहा है। वाइब्रेशन तो भाई रॉनिन से कम है, थोड़ा है वाइब्रेशन, जैसे कि अभी लगभग 90 पे है बाइक। ठीक है, वाइब्रेशन थोड़ा है पैरों में, थोड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा है, बट हाथों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। 80, 85 पे तो बहुत ही प्यार से आप क्रूज करते रह जाओगे दिन भर। सीटिंग पोजीशन अगर कुशनिंग की बात करूँ तो कुशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे हार्ड है, छूने में हार्ड लगता है, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना बैठने पे तो हाँ, आप इजली 120, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे मुझे लगता है कि आराम से राइड कर दोगे, अगर आपको थोड़ा भी आदत है राइड करने का तो। बाकी सही लग रहा है वैसे यार। रोनिन के अंदर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने मुझे परेशान किया है तो वो किया है वाइब्रेशन ने। वाइब्रेशन 80+ पे काफ़ी ज़्यादा फील होता है, खास करके अगर आप लंबे टाइम तक राइड कर रहे हो तो। थोड़ा जो रास्ता है ना ऐसे ऊपर, ऐसे 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 वाला रास्ता है, तो इस कारण से वो हिसाब से तो खींच नहीं पा रहे। एग्जॉस्ट लेकिन 80 पे
एग्जॉस्ट का तो काफ़ी कम हो चुका है अब, जो पहला एग्जॉस्ट आता था ना रॉयल इनफील्ड का, वैसा एग्जॉस्ट तो अब किसी बाइक में नहीं आता है, थोड़ा बहुत शायद क्लासिक में आता है, बट इस बाइक का एग्जॉस्ट काफ़ी स्मूथ है मेरे ख्याल से। शायद अभी आपको एग्जॉस्ट विंड नॉइज़ तो आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अभी आपको एग्जॉस्ट शायद सुनाई भी ना दे रहा हो। फोर्थ गियर में थोड़ा सा वाइब्रेशन है, पैरों पे थोड़ा फील होता है। देखो लंबे टाइम में मुझे लगता है अगर आप 500-400 किलोमीटर का राइड करोगे ना, तो जो मुझे एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है राइड करके, मुझे लगता है कि जिस तरह का वाइब्रेशन पैरों में फील हो रहा है, 300 किलोमीटर तक आपको थोड़ा इरीटेशन होगा, 300 किलोमीटर के ऊपर राइड करने पर थोड़ा इरीटेशन होगा। फोर्थ गियर में वाइब्रेशन है, पैरों में हो रहा है और हैंडल में भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन है फोर्थ गियर में, बल्कि बाइक अभी 70 की स्पीड पे है। थोड़ा और अगर फोर्थ गियर में मैं स्पीड दूंगा तो हाँ बिल्कुल वाइब्रेशन थोड़ा है, पैरों में ठीक ठाक वाइब्रेशन आ रहा है। बाकी हैंडलिंग बाइक का काफ़ी सही है और ब्रेक वगैरह भी ठीक है, बाइक का सही लग रहा है, ब्रेक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ब्रेक सही है। लाइक अभी 70 पे बाइक है, पीछे वाला ब्रेक मैंने प्रेस करा, हाँ ब्रेक सही है, ब्रेक का रिस्पांस बढ़िया है, एंड दोनों ब्रेक को साथ में लगाएंगे तो रिस्पांस अच्छा ही मिलेगा, ब्रेक में तो कोई इशू नहीं है। मैं बस जो देख रहा हूँ ना, अब अगर मुझे यहाँ से इन फ्यूचर अगर दूसरा बाइक कोई लेना है, रॉनिन से ऊपर जाना है, मुझे ऐसा बाइक चाहिए अब अगला, जिससे मैं आराम से 90-100 पे क्रूज़ करूँ, क्योंकि देखो आप कंटिन्यू 120-130 क्रूज़ नहीं कर सकते हो इंडियन रोड में, ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कंटिन्यू क्रूज़ हो 90-100 पे और वाइब्रेशन कम मिले। बहुत ऐसी बाइक्स हैं जो 160 प्लस जाती तो है, लेकिन फिर भी 90 पे आते आते वाइब्रेशन शुरू हो जाता है बाइक में, ठीक है पूरा वाइब्रेशन तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ अगर कम से कम वाइब्रेशन रहे तो बहुत बढ़िया है। कुछ नॉइज़ आ रहा है हल्का हल्का बाइक पे, किस चीज़ का नॉइज़ है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ नॉइज़ आ रहा है, मे बी शायद चाबी का हो सकता है। क्रूज़ करने के लिए बाइक बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा और वाइब्रेशन कम रहता तो ज़्यादा मज़ा आता, थोड़ा सा वाइब्रेशन लंबे टाइम में तो फील होगा, ये तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि मेरा रॉनिन भी जो है ना उसमें वाइब्रेशन होता है, और मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोनों बाइक का, मैं बता रहा हूँ। तो 50-60 किलोमीटर 100-200 किलोमीटर पर ना वो वाइब्रेशन फील नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जब मैं जाता हूँ ना 200-300 किलोमीटर का लंबा राइड करता हूँ तो काफ़ी वाइब्रेशन लगता है हाथों और पैरों पर, खास करके जब 90 प्लस पे बाइक रहता है तो एक टाइम के बाद लगता है यार वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इरिटेशन थोड़ा फील होना शुरू हो जाता है 300-400 किलोमीटर प्लस राइड पे। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा वाइब्रेशन का फेस करना पड़ेगा इस बाइक में भी, अगर सर्विस में भी शायद सेकंड सर्विसिंग के बाद ये इशू या थर्ड सर्विसिंग के बाद ये इशू ठीक हो जाएगा, जो अगर आपके पास मीटियोर 350 है और अगर आपने उससे 300-400 किलोमीटर का राइड करा है बैक टू बैक 2-3 दिनों तक, तो आप कमेंट कर सकते हो। ध्यान रखना एक दिनों में नहीं पता चलता है, जब बैक टू बैक आप करोगे ना तब ज़्यादा फील होता है आपको, फील तो होगा फर्स्ट डे में भी लेकिन आप उसको इग्नोर कर लेते हो, उतना पता नहीं चलता है। बॉडी में इरिटेशन तब लगता है जब आप उसको बैक टू बैक 2-3 दिनों तक राइड कर रहे हो। बाकी ये बाइक यार मुझे तो काफ़ी वैसे बढ़िया लगा, टॉप स्पीड अभी तक मैं इसका चेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रास्ता आप देख सकते हो ऐसे 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 है, तो इस कंडीशन में इतने छोटे पैच में टॉप स्पीड इसका चेक नहीं हो पाएगा,
थोड़ा उसे लंबा पैच चाहिए। एक सौ पाँच छः तक गया था, तब तक फिर रास्ता ऐसा वाला आ गया। यहाँ ट्राई करते हैं। हंड्रेड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नहीं, अभी भी नहीं हो पाया। मुझे लगता है शायद, मुझे नहीं पता कितना तक जाता है मीटर 350 का टॉप स्पीड। आपको पता नहीं, गोप्रो में दिख रहा होगा नहीं, बट ऐसे ऐसे रास्ता है तो टॉप स्पीड तो पॉसिबल नहीं है चेक करना। लेकिन हाँ, फिफ्थ गियर में अगर सिक्स्थ गियर देता ना इसमें, तो और भी ज़्यादा स्मूथ चलता। उसके बाद तो फिर शायद कोई शिकायत नहीं रहता। वाइब्रेशन वाला शिकायत थोड़ा बहुत जो आ रहा है ना, जितना लो गियर में है ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है। फिफ्थ गियर में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत फील हो रहा है। बट हाँ, वो आपको कंटिन्यू अगर आप राइड कर रहे हो 150-200 किलोमीटर तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बाकी 80 पे अब आराम से, 80-85 पे क्रूज करते रहो, मस्त एकदम मस्त खींच लोगे आप। तो ये था एक छोटा सा मेरे तरफ से एक राइड इम्प्रेशन, फर्स्ट राइड इम्प्रेशन मेटियोर 350, जो मुझे लगा। ओवरऑल बाइक बहुत बढ़िया है, बाइक बहुत मस्त है। बहुत वेट पता नहीं इसका कितना है, लेकिन राइड करने पे काफ़ी अच्छा, मतलब होता है ना बैलेंस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाइक का सीट हाइट भी ठीक है यार, सीट हाइट में तो कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि आरी के सारे बाइक में सीट हाइट का कोई ज़्यादा इश्यू होता नहीं है। हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया है, ना ज़्यादा वाइड है ना ज़्यादा क्लोज है, क्रूज़ बाइक के हिसाब से बढ़िया है। हैंडल की हाइट की बात करूँ तो हाइट भी मुझे सही लग रहा है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और सैडलिंग तो ऐसे भी क्रूज़ बाइक पर होता नहीं है, तो उस हिसाब से तो कम्फर्टेबली आप आराम से बैठ के बढ़िया से एकदम आप राइड करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर तो खैर डीसी भाई ने अलग से लगवाया है ये वाला ख़रीद के, जो इसका मिरर आता है बाइक में लगा हुआ उसका तो मुझे नहीं पता, उस समय मैंने राइड तो करा नहीं। बाकी ये जो मिरर लगवा लिया है इस पे भी पीछे का जो व्यू आ रहा है वो एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया व्यू आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा अपना रॉनिन में बस मुझे एक इशू लगा, मैं बताऊँगा रिव्यू वीडियो अगर आप देखना होगा, या तो मैं डल चुका होगा वीडियो या फिर डलने वाला होगा इस राइड के बाद, राजस्थान राइड के बाद। तो रॉनिन के बारे में बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल मीटियोर 350 हमारे हाथ में है। अब ये बाइक मैं डीसी भाई को सौंप देता हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो मीटियोर 350 के बारे में, अगर आपने राइड करा है तो बताइए, नहीं राइड करा है तो कभी मौका मिले तो राइड जरूर से करना। और मेरा तो ये पहला राइड है रॉयल एनफील्ड का, मैंने रॉयल एनफील्ड का कोई बाइक अभी तक नहीं चलाया था, ये पहला मैं बाइक चला रहा हूँ। अब यहाँ पर आगे डीसी भाई को बाइक सौंपते हैं। हाँ, लॉन्ग रूट के लिए मस्त है, क्रूज करते रहो आराम से। 80-85 इसका बेस्ट स्पॉट है, 80-85 भी चलते रहो मस्त चलेगा। चलो चलते फटाफट होटल पहुँचते हैं। तो वापस से अपना आ गए अपने बाइक पे, और डीसी भाई को, हालांकि डीसी भाई ने राइड करा है तो डीसी भाई को उतना ज़्यादा आइडिया है अभी, क्योंकि उन्होंने लंबा राइड कर लिया है। तो डीसी भाई को कोई ख़ास वाइब्रेशन उनको परेशान उनको अभी तक करा नहीं है। तो जिन्होंने लंबा राइड कर लिया है भाई, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो मेरे हिसाब से तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तब आप आराम से कम, क्योंकि डीसी ने भी भाई 450-500 किलोमीटर के अराउंड राइड कर लिया मेरे हिसाब से राजस्थान ट्रिप में। जो हम अजमेर से जैसलमेर आए थे अराउंड 460-470 किलोमीटर तो हमने राइड करा है,
तो भाई पहुंच गए, मज़ा आ गया आज के इस राइड में। बहुत ही शानदार राइड था, बस एक ही कमी रह गया। और जैसा कि मैंने बताया आपको, मन था बॉर्डर तक पहुंचने का, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मे भी फिर कभी रूल्स अगर चेंज होगा, जब कभी बाइकर्स को भी अलाउ करा जाएगा बॉर्डर पे, तब पक्का पक्का पहुँचेंगे हम ज़रूर से। कैसा लगा वीडियो आज का कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलो पहुंचते हैं अपने होटल।